जय माता दी। मित्रों आज आपको हम सुनाने वाले हैं आदि गुरु शंकराचार्य रचित भवानी अष्टकम हिंदी अनुवाद सहित। इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से माँ भगवती जगदम्बा की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसे दिन में प्रातःकाल या सायं एक समय ही सुनने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। सभी दुख संकटों का नाश होता है, सभी पापों का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है भगवती जगदम्बा की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों अब आरंभ करते हैं भवानी अष्टकम। इसको श्रद्धापूर्वक आपको एकाग्र चित्त से शुद्ध मन से श्रवण करना चाहिए, इसका अनंत गुणा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ताम न जाया न विद्या न वृत्तिर्नमेव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इसका भावार्थ इस प्रकार से हुआ कि हे भवानी, पिता माता भाई बहन दाता पुत्र पुत्री सेवक स्वामी पत्नी विद्या और व्यापार इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे भवानी माँ, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, मैं केवल आपकी ही शरण में हूँ। भवाब्धा व पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इसका भावार्थ इस प्रकार से हुआ कि हे माँ भवानी, मैं जन्म मरण के इस अपार भव सागर में पड़ा हुआ हूँ। भव सागर के महान दुखों से भयभीत हूँ। मैं पाप लोभ कामनाओं से भरा हुआ हूँ तथा घृणा योग्य संसार के कुसंसार के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, मैं केवल तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्त्रोत्र मंत्रम न जानामि पूजाम न च न्यास योगम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इसका भावार्थ इस प्रकार से हुआ कि हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान योग मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र मंत्र और स्त्रोत्र आदि का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास योग आदि की क्रियाओं को मैं नहीं जानता हूँ। हे देवी, हे माँ भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी शरणागति हो, मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा हो। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लय वा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मात गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इसका भावार्थ इस प्रकार से हुआ कि हे भवानी माता, मैं न पुण्य जानता हूँ, न ही तीर्थों को जानता हूँ, न ही मुक्ति का पता है, न लय का पता है। हे माँ भवानी, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञान नहीं है। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, अब केवल तुम ही मेरा आसरा हो, मेरा सहारा हो। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचार ही न कदाचार लीनः कुदृष्टि ही कुवाक्य प्रबंध सदाहम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, मैं कुकर्मी कुसंगी बुरी संगति में रहने वाला कुबुद्धि दुर्बुद्धि कुदास दुष्टदास और नीच कार्यों में ही प्रवृत्त रहता हूँ। सदाचार से हीन कार्य दुराचार परायण कुत्सित दृष्टि कुदृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही गति हो, मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय है। प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम नितीशेश्वर वा कदाचित न जानामि चान्यत सदाहम शरण्ये गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, हे माँ भवानी, मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र को नहीं जानता हूँ, सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता हूँ। हे शरण देने वाली माँ भवानी, तुम ही मेरा सहारा हो, मैं केवल तुम्हारी शरण हूँ, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदाम्मा प्रपाही गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि हे भवानी,
तुम विवाद विषाद में, प्रमाद प्रवास में, जल अनल में, अग्नि में, पर्वतों में, शत्रुओं के मध्य में और वन अरण्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे माँ भवानी माँ, मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय है, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्य वक्त्रह विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, हे माता, मैं सदा से ही अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी हूँ। मैं अत्यंत दुर्बल दीन गुंगा विपदग्रस्त विपत्तियों से घिरा रहने वाला और नष्ट हूँ। अतः हे भवानी माँ, अब तुम ही एकमात्र मेरी गति हो, मैं केवल आपकी ही शरण में हूँ, तुम ही मेरा सहारा हो। तो यह शंकराचार्य विरचित भवान्यष्टक है, इसको श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति प्रातः और सायंकाल सुनने से माँ जगदम्बा की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। जो पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में, उन पापों का नाश होता है। माता जगदम्बा की कृपा से समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिसका पुण्य लाभ आपको अधिक से अधिक प्राप्त होता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय माता दी। मित्रों, फिर मिलेंगे।